हेलो एवरीवन, स्वागत है एक्सेल के इस नए वीडियो में। आज की वीडियो में जो हम डिस्कस करने वाले स्टूडेंट फीस पे फॉर्मूले पे। जी हाँ, स्टूडेंट फीस पे फॉर्मूले पे हमने इस टॉपिक पे शायद कई बार डिस्कस किया होगा या बताया भी होगा, बट ये वीडियो कुछ अलग होने वाला है। जी हाँ, सपोज दैट हम किसी ऐसे कॉलेज पे वर्क कर रहे हैं जहाँ बाय डिफॉल्ट मुझे ये बताना है कि जो भी स्टूडेंट फीस पे किए हैं उनको एग्ज़ाम में बैठाया जाए और जो नहीं पे किए हैं उनको ना बैठाया जाए। और साथ में हमको लॉजिक ये दिया जा रहा है, यानी कि कंडीशन रखा जाता है कि जो प्रैक्टिकल और असाइनमेंट जमा किए हैं वो लोग ही बैठ सकते हैं। यानी कि कंडीशन ये है, फीस प्लस असाइनमेंट और प्रैक्टिकल दिए रहेंगे तभी वो एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं, अन्यथा नहीं। तो इसके लिए क्या करेंगे, अगर आपको मेथड नहीं पता है तो वन बाई वन करके आप खोजेंगे कि कौन कैंडिडेट्स या फिर कैसा स्टूडेंट, कौन स्टूडेंट ऐसा है जो आप भी फीस और असाइनमेंट नहीं कंप्लीट किया है। तो ये वीडियो आपके लिए फुल इंफॉर्मेटिव होने वाली है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। सपोज दैट आप देख सकते हैं कि अभी मैं यहाँ से कोई भी डेटा डिलीट करूँ, यानी कि इसका फीस मंथ में अगर डिलीट कर दूँ कि ये दो मंथ का फीस बाकी है प्लस इसका असाइनमेंट बाकी है, तो ये नॉट एलिजिबल दिखा रहा है, मतलब ये एग्ज़ाम में नहीं बैठ सकता है। लेकिन मैं अगर यहाँ पे इसका फीस प्लस प्रैक्टिकल प्लस असाइनमेंट सब जमा हो जाए तो आप देख सकते हैं ये एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल दिखा रहा है। तो आइए वीडियोज को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, डेटा रेंज को यहाँ पे मैंने नाम ले लिया है, और फादर्स नेम एक्सेट्रा आप डाल सकते हैं। क्लासेस मान के चलो हमने यहाँ 10th क्लासेस का डेटा लिया है। एक्सेल में कुछ लोगों को शायद सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट अप्लाई करने को पता हो और कुछ लोगों को ना पता हो। तो कुछ लोगों को लगता है, क्योंकि यहाँ फॉन्ट में कहीं दिया ही नहीं है, कुछ लोगों को लगता है कि इसके फीचर में ही नहीं है, बट ऐसा नहीं है, है। हमें करना क्या है, इसको इतना सेलेक्ट कर लेना है और इस डॉट वाले सिंबल को क्लिक करते हुए हमें सब स्क्रिप्ट पे क्लिक कर देना है, यानी कि सुपर स्क्रिप्ट पे क्लिक कर देना। आप देख सकते हैं ये फॉर्मूला अप्लाई होकर के आ चुका है, यानी कि आप कभी भी ड्रैग करेंगे तो ये सब का सब देगा। मंथली फीस मान के चलो यहाँ पे 600 रुपया है आपका, जो भी मतलब स्टूडेंट है उसका फीस जिस हिसाब से 10th क्लास की है 6 यानी कि 600 रुपये है। अब हम चाहते हैं कि यहाँ डेटा रेंज में मैं जैसे ही क्लिक करूँ अगर उसका फीस जमा है तो टिक लग के आए, और अगर नहीं है तो वो सेल ब्लैंक होकर के आए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले डेटा रेंज को सिलेक्ट कर लें, यानी कि जितने भी स्टूडेंट आपके पास हैं उनकी रेंज को सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हमें आना है यहाँ पर, एक ऑप्शन दिया है बिल्डिंग्स का, यानी बिल्डिंग्स 2 का, और यहाँ पर हम जैसे ही कैपिटल पी प्रेस करेंगे, अभी आप देख सकते हैं कैपिटल पी जैसे ही प्रेस करेंगे यहाँ पर टिक लग करके आ रहा है। आप स्मॉल पी प्रेस करेंगे तो नहीं वर्क करेगा, बट कैपिटल करेंगे तो फुल वर्क करेगा। अब हम चाहते हैं असाइनमेंट और प्रैक्टिकल में भी सेम ऐसे ही हो, कि अगर वो असाइनमेंट प्रैक्टिकल जमा किया हो तो टिक लग करके आए। तो सेम इसके लिए भी डेटा रेंज को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से अप्लाई कर देंगे बिल्डिंग्स 2, और जैसे ही मैं यहाँ पर पी लिखूँ कैपिटल पी प्रेस करके लिखेंगे यहाँ पर ये टिक लग करके आ चुका है। अब यहाँ पर हमें निकालना है फीस पे, यानी कि कितना मंथ का जमा कर दिया गया है। तो इक्वल लगाएंगे, काउंट इफ लिखेंगे, काउंट इफ जो होता है कंडीशन रखने के लिए यूज किया जाता है किसी भी वैल्यू को फाइंड करने के लिए। तो काउंट इफ लिखेंगे, ब्रेकेट लगाएंगे, रेंज उठाएंगे, कॉमा लगा के हमें पेड मंथ निकालना है, तो पी लिखेंगे, ब्रैकेट क्लोज करके इंटर कर देंगे। आप देख सकते हैं ये हमारा दिखा रहा है 10 मंथ। उसके बाद में रिमाइनिंग, रिमाइनिंग का मतलब बचा हुआ। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इक्वल लगाएंगे, यहाँ काउंट ब्लैंक का दिया है, फार्मूला टाइप करते ही स्टार्ट हो जाएगा, और यहाँ से यहाँ तक की यानी कि मई से अप्रैल तक के डेटा को हम जो है सिलेक्ट करके ब्रैकेट क्लोज करके इंटर कर देंगे। अभी आप देख सकते हैं कि 2 मंथ का बचा हुआ दिखा रहा है। नेक्स्ट लॉजिक क्या है, कि अगर उसका सब कुछ पे है यानी कि सब कुछ सबमिटेड है तो एग्ज़ाम में बैठ सकता है, और नहीं है तो नहीं बैठ सकता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए सीधे से फॉर्मूला अप्लाई करेंगे इक्वल और लगाएंगे इफ़, और लॉजिक पूछ के आ रहा है
कि अगर इसका असाइनमेंट, यहाँ पे हम काउंटिफ लगाएंगे, अगर यहाँ पे इसका असाइनमेंट और प्रैक्टिकल सबमिट है, सॉरी काउंटा लिखेंगे यहाँ पे जो है हम काउंटा का काम जो होता है टोटल एडिशनल का काम होता है, काउंट करने का काम होता है, अगर इसका असाइनमेंट और प्रैक्टिकल सबमिटेड है तो ये एग्जाम में बैठ सकता है, और अगर नहीं है तो एग्जाम में नहीं बैठ सकता है। तो ब्रैकेट क्लोज करके ग्रेटर देन देंगे और टू लिखेंगे, यानी कि अगर दोनों जमा है तभी बैठ सकता है, अगर कोई एक रहेगा तो बिल्कुल नहीं बैठ सकता है। फिर से कॉमा लगाएंगे, इसका फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, फिर से लॉजिक दूसरा है हमारा कि अगर इसका मंथ यानी कि फीस टोटल पे है, 12 मंथ का अगर इसका फीस पे है तो ही ये एग्जाम में बैठ सकता है, अन्यथा नहीं बैठ सकता है। कॉमा डबल इनवर्टेड काम है, में हम लिख देंगे फीस पेंडिंग, अगर उसका फीस बचा हुआ है तो फीस पेंडिंग लिख के आए, अगर सब कुछ सबमिटेड है यानी कि असाइनमेंट और प्रैक्टिकल सब कुछ सबमिट है और फीस भी सबमिट है तो यहाँ पे एलिजिबल लिख के आए, अगर फीस बाकी है तो फीस पेंडिंग लिख के आए। तो कॉमा लगा के डबल इनवर्टेड काम में डबल कोट्स देंगे, डबल इनवर्टेड कॉमा क्लोज, ब्रैकेट क्लोज करके इंटर कर देंगे। देख सकते हैं आप फीस पेंडिंग लिख के आ रहा है, क्यों? क्योंकि इसका अभी 2 मंथ का फीस नहीं पे है। तो जैसे हम यहाँ पे कैपिटल पी प्रेस करेंगे आप देख सकते हैं वहाँ पे एलिजिबल दिखाकर आ रहा है। अगर आप मैं यहाँ पे असाइनमेंट या प्रैक्टिकल भी छोड़ दूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है नहीं करके आ रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे नहीं आ रहा है। अगर मैं जैसे ही यहाँ टिक करूँ यहाँ पे शो अप कर रहा है। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा, अगर वीडियो समझ में आया तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।